आज मैं शेयर कर रही हूँ छोटे साबूदाना का बिल्कुल एक नया रेसिपी। साबूदाना की हम लोग बहुत तरीके के रेसिपी बनाते हैं, साबूदाना की बड़े, साबूदाना की खिचड़ी, लेकिन आज मैं शेयर कर रही एक अलग तरीका का साबूदाना का पराठा। खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और बनाना ईजी है। अंदर रहेगा भरपूर स्टफिंग ताकि और भी इस पराठा का टेस्ट बढ़ जाएगा। सॉफ्ट भी बनेगा अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी। बनाने के लिए टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन अलग तरीका से बना के दिखाऊंगी ताकि साबूदाना का ये पराठा बहुत ही टेस्टी भी बनता है। और बहुत ही कम तेल यूज करके मैंने ये वाला रेसिपी शेयर करी हूँ ताकि हेल्दी भी बनेगा। चलो फिर बढ़िया सा रेसिपी शुरू करते हैं। साबूदाना का ये पराठा बनाने के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ छोटा वाला साबूदाना। तो ये एक कप जैसा साबूदाना लिया, वजन के हिसाब से 150 ग्राम जैसा होगा। आप चाहे तो बड़ा वाला साबूदाना भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज छोटा वाला ये साबूदाना यूज़ कर रही हूँ। अब साबूदाना को पहले अच्छी तरह से पानी डाल के धो लेती हूँ। आप देखिए अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें ज़्यादा पानी मैंने नहीं डालूंगी। इस साबूदाना भिगाने के लिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ही डाली हूँ ताकि ये साबूदाना अच्छी तरह से फूल जाए और इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं रखेंगे। जब तक ये साबूदाना भीग रहे तब तक ये साबूदाना का अंदर का स्टफिंग बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बॉयल पोटैटो को इसी तरीका से ग्रेट कर लेती हूँ। एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया, इसके साथ अभी मैं ला रही हूँ मैंने थोड़ी सी बारीक कटा हुआ प्याज। आप डालूंगी यहाँ पे पनीर, आप चाहे तो सिर्फ पनीर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आलू और पनीर से बना रही हूँ ताकि इसका जो स्टफिंग का टेस्ट बहुत बढ़िया सा आएगा। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पनीर डाल दिया और थोड़ा सा डालती हूँ, आप आपका पसंद के हिसाब से पनीर डालिए, लेकिन पनीर का टेस्ट बहुत बढ़िया सा आएगा इस साबूदाना के साथ। अब मैंने डालती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चिली और डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। डाल देती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी नींबू का जूस। नींबू का जूस जरूर डालना, इसमें बहुत बढ़िया सा एक अच्छा टेस्ट आएगा। आप डाल दो थोड़ी सी धनिया पाउडर और डालूंगी थोड़ी सी यहाँ पे रेड चिली पाउडर। डाल देते हो थोड़ी सी आमचूर पाउडर, आप डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, नमक भी पहले डाल देती हूँ और सब इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। ये पनीर, आलू, धनिया पत्ता, मिर्ची और ये जो मसाला मैंने डाली हूँ, रियली बहुत बढ़िया सा परफेक्ट ये स्टफिंग बनेगा। तो देखिए अच्छी तरह से सब इंग्रेडिएंट्स को मिला लिया और स्टफिंग रेडी हो गया। अब मैंने स्टफिंग को अलग करके रख देती हूँ। अब चलिए साबूदाना की तरफ। तो देखिए एक घंटे के बाद साबूदाना अच्छी तरह से फूल गया और पानी मैंने इतना क्वांटिटी यूज़ किया ताकि इसके अंदर देखिए थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो पानी का क्वांटिटी थोड़ा सा कम डालने से क्या होगा, हम लोग जो पराठा बनाएंगे वो लाटने में दिक्कत नहीं आएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से साबूदाना भी भीग गया और पानी का क्वांटिटी बढ़िया सा परफेक्ट है। अब इसके साथ बाइंडिंग के लिए मिलाती हूँ। देखिए एक मीडियम साइज़ का मैंने बॉयल पोटैटो इसके साथ डाल रही हूँ। साबूदाना के साथ आलू मिलाने से इसमें टेस्ट भी आएगा परफेक्ट और बाइंडिंग भी आएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, देखिए मीडियम साइज़ का एक बॉयल पोटैटो अच्छी तरह से मैश करके मिला देती हूँ। आप डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डालते हो थोड़ी सी यहाँ पे बारीक वाला ये मूँगफली, मतलब रोस्टेड मूँगफली को थोड़ा सा मैंने कूट लिया। आप डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसका जो बाइंडिंग है बहुत बढ़िया सा परफेक्ट आएगा। दूसरा कुछ भी मसाला मैंने इसमें और ऐड नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया तो और अच्छी तरह से पूरा इन्ग्रीडियंट्स को मिलाती हूँ। इसके साथ चाट मसाला, नींबू का रस, ऐसा कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ये जो स्टफिंग बनाए उस पर पूरा सब कुछ मसाला डाल दिया। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये सब बाइंडिंग परफेक्ट हो गया। आप देखिए किस तरीका से मैंने पराठा बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीका से मैंने थोड़ा सा बॉल जैसा बना लेती हूँ। बनाना बहुत ही इजी है, परफेक्ट अगर बाइंडिंग होगा तो ये देखिए कितना मस्त बनेगा। तो इसी तरीके से थोड़ा सा फैला देती हूँ। आप चाहे तो कटोरी जैसा भी शेप दे सकते हैं। आप डालेंगे इसके अंदर जो स्टफिंग, मतलब आलू पनीर का जो स्टफिंग मैंने बनाई हूँ, तो आलू पनीर का जो स्टफिंग है वो भरपूर डालना है ताकि पराठा के अंदर बहुत बढ़िया सा ये फैल भी जाएगा, टेस्ट भी परफेक्ट आएगा। तो इसी तरीके से मैंने गोल बॉल जैसा बना लिया स्टफिंग को ताकि आसानी से इसके अंदर स्टफिंग भर जाएगा। तो ये देखिए मैंने पूरा अच्छी तरह से साबूदाना के ऊपर ये कोट कर लिया।
आप चाहे तो अगर डीप फ्राई करना चाहते हो तो इसी तरीका से डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आज पराठा बनाऊंगी तो ये डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको फैला देती हूँ। आप चाहे तो इसी तरीका से बड़ा जैसा भी बना सकते हो। आप देखिए मैंने किस तरीका से इसको फैलाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉलीथीन यूज़ किया, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा ले। आप देखिए हाथों की हेल्प से मैंने इसी तरीका से प्रेस कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो स्टाफिक है वो भी पूरा पराठे के अंदर फैल जाएगा और ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे तो इसीलिए कच्चा रह जाएंगे अगर ज़्यादा मोटा करेंगे तो। तो इसी तरीके से मैंने फैला देती हूँ, बहुत आसानी से फैल जाएगा और ये जो पराठा बनेगा बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगा। आप जितना पतला करना चाहते हो उतना पतला कर सकते हैं, आसानी से ही बन जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से मैंने अच्छी तरह से इसको पतला कर लिया। आप चाहे तो और भी पतला कर सकते हैं, ये बनाने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए इसके ऊपर मैंने डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। इसमें क्या होगा, दिखने में भी सुंदर लगेगा और हरा धनिया का जो टेस्ट है वो भी बढ़िया सा लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग स्टेप इसमें ग्रीन चिली यूज़ किया तो इसीलिए तीखा भी थोड़ा सा हो जाएगा और ये देखने में मस्त लगेगा। तो इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी अच्छी तरह से फैला दिया, थोड़ा सा दबा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया सा मस्त ये पराठा बन गया। अब चलिए पराठा को सेकते हैं। पराठा सेकने के लिए मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा इस तवे के ऊपर ऑयल ब्रश कर लेती हूँ और डाल देती हूँ ये पराठा। पहले अच्छी तरह से तवा को गर्म कर लेना, अब गैस का हीट मीडियम है और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। एक तरफ होने देती हूँ, उसके बाद दूसरा तरफ पलटाएंगे। आप चाहे तो ढक के पकाएंगे, ऐसा फिर बिना ढक के भी पक जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा ढक देती हूँ ताकि अच्छी तरह से पक जाएगा। तो देखिए मैंने ढक्कन लगा देती हूँ ताकि अंदर से बहुत बढ़िया सा अच्छी तरह से पक जाएगा, क्योंकि अंदर से भी थोड़ा सा पकना है। जब तक ये पक रही तब तक दूसरा मैंने पराठा बना लेती हूँ। हम लोग जैसे साबूदाना का बड़ा ऐसे दूसरा कोई रेसिपी बनाते उससे भी बेहतर टेस्ट आएगा ये स्टफिंग वाला साबूदाना के पराठा में, बनाना भी बहुत ईजी है। तो ये देखिए दूसरा पराठा में मैंने बना लिया। अब देखिए इसकी तरफ ये ढक्कन हटा के देखती हूँ, देखिए ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्राई हो गया, मतलब कितना बढ़िया सा ये पक रहे। ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेती हूँ, आप चाहे तो डाले ऐसा फिर मत डाले, इसमें भी बहुत बढ़िया सा पक जाएगा। थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना था है, थोड़ा सा ऊपर से ऑयल ब्रश कर लिया, देखिए नीचे की तरफ कितना बढ़िया सा परफेक्ट ये पक गया। और भी मैंने ढक के दूसरा तरफ भी पका लेती हूँ ताकि थोड़ी सी भी कच्चा नहीं रह जाएगा ये पराठा। दूसरा तरफ पकाने के लिए और भी ढक के 1 मिनट तक पकाती हूँ, मतलब 2 मिनट में ये पराठा बन जाएगा। गैस का हीट मीडियम रखना। तो ये देखिए मैंने पलटा के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया सा दोनों तरफ अच्छी तरह से पक गया। तो इसी तरीके से मैंने जितना क्रिस्पी खाना पसंद करते उसी हिसाब से फ्राई कीजिए ताकि अच्छी तरह से ऊपर भी क्रिस्पी हो जाएगा अंदर से भी बढ़िया सा पक जाएगा। तो देखिए मैंने इसी तरीके से मैंने ये पराठा को घुमा के घुमा के बहुत बढ़िया सा ये फ्राई कर रही हूँ। धीरे धीरे ये फूलेगा भी है, ये देखिए कितना मस्त ये बढ़िया सा फूल रहा है, मतलब स्टफिंग का जो टेस्ट है रियली बहुत बढ़िया सा परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए कितना मस्त और ये पराठा बन गई, ऊपर से क्रिस्पी है अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट है और ये जो स्टफिंग है रियली बहुत बढ़िया सा मस्त लगेगा। आप चाहे तो इसको ऐसा ही खा सकते हैं, ऐसा चटनी के साथ भी खा सकते हैं। कितना मस्त ये परफेक्ट कलरफुल देखिए साबूदाना का पराठा बन गया। आप चाहे तो एक साथ में 2-3 भी पका सकते हैं। देखिए ये तवा थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए मैंने एक साथ में 3 डाल दिया, बहुत आसानी से बना भी सकते हैं और टाइम भी कम लगेगा। एक साथ में 2-3 बनाओगे तो टाइम बहुत ही कम लगेगा और ढक के पकाएंगे ताकि अंदर भी बढ़िया सा पक जाएगा और ऊपर क्रिस्पी भी बनेगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा मस्त ये साबूदाना की पराठा बन गई। नारियल की चटनी के साथ तो ये साबूदाना का पराठा बहुत ही मस्त लगेगा, मतलब ऊपर से क्रिस्पी अंदर से स्टफिंग भरपूर और अंदर से सॉफ्ट भी है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप लोग बना के देखिए, रियली बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर का स्टफिंग कितना बढ़िया सा भरपूर है और कितना परफेक्ट ये स्टफिंग फैल भी गया है, मतलब पूरा पराठा में ये स्टफिंग है। तो देखिए कितना बढ़िया सा मस्त ये स्टफिंग अंदर है। सो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरीके से एक बार साबूदाना की पराठा बना के देखिए, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही हर दिन न्यू रेसिपी देखने के लिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए मेरा न्यू रेसिपी देखने के लिए। सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे, बाय बाय।